कि हमें किसी प्रकार की लोभ लिप्सा नहीं है कि हम जीत जाए चुनाव अन्य तरह मार्ग से पैसा देकर दारू देकर मुर्गा देकर या लाख देना तुम्हारी जातिवाद पटेल यादव साहू जैन समाज में पैसा देकर हम पे कर हम वोट नहीं जीतने वाले। हम अपने हम हार जाएंगे 10 साल 15 साल तक जिस दिन इसमें खड़ा होगा जिस दिन ये पार्टी खड़े होगी आज यहाँ जनता और सारी भारत देख रहेंगे अरे क्या पार्टी है क्या जीतेंगे क्या नशा मुक्त क्या बाबा जी। लेकिन जिस दिन ये पार्टी खड़ा होगी आप खुद इस पार्टी की सदस्यता लेने के लिए आएंगे आप खुद पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम जाएंगे इसमें आने के लिए आप तरसेंगे पर वो मौका निकल चुका रहेगा क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा। आज हम छोटे लेवल से शुरू कर रहे हैं इसलिए कांग्रेस और भाजपा वालों सुधर जाओ ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। अरे जब गोरे अंग्रेज नहीं रहे मुगल शासन नहीं रहा पुर्तगाल नहीं रहा फ्रांस नहीं रहा तो तुम क्या टिकोगे चिंता मत करो क्योंकि आज हम भले ही इन भ्रष्ट करप्ट नेताओं के लिए कह रहे हैं मेरा बीवी है बच्चा है मैं क्या करूं मेरा घर परिवार है मैं क्या करूं लेकिन मैं इस काम में लिख के देता हूं आपको कि यदि ये भ्रष्ट और करप्ट नेता समय से नहीं सुधरे और हमारी पार्टी को आने में कहीं सत्ता में आने में देर लग गई तो मैं इस चीज को गारंटी के साथ कहता हूँ कि हमारे भी सही भगत सिंह राजगुरु सुखदेव पैदा होगा। तो ये जरूरी नहीं कि वो स्वर्ग से पुनर्जन्म लेंगे हमारे भी सही लेंगे और देखना तुम्हारा किस तरह से धराशायी आएगा क्योंकि जब मौत आएगी तो किसी को बता के नहीं आएगी तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों इसको कथा की तरह मत समझ लेना इधर से सुने और इधर से निकाल दिए जागो वरना तुम आज जिस स्थिति में ठहर रहे हो तुम्हारे बच्चे तुमको आज जो शिक्षा मिल जा रही है सरकारी नौकरी में 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं और सरकारी भोजन तो तुम्हारे बच्चों को वो भी शिक्षा नहीं मिलेगी। हो गया जय माता की जय गुरुवर की।